तो अभी मैं रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहा था, उसमें एक जगह पे ऑथर ने बताया है कि कैसे अमीर लोग अपनी वेल्थ को छुपाते हैं कॉरपोरेशन के जरिए दुनिया से। पर तभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि इन लोगों की नेटवर्थ तो हर किसी को पता है, एक गूगल करने की देरी है बस। तो फिर आखिर रॉबर्ट किस वेल्थ की बात कर रहे थे और ये कॉरपोरेशन किस चिड़िया का नाम है जो कि इनकी वेल्थ को छुपाने में मदद करती है? लेट्स फाइंड आउट। पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। पैंडोरा पेपर्स, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जर्नलिस्टिक कोलैबोरेशन था। इसे बनाने में करीब 600 पत्रकार इन्वॉल्व थे। इस रिपोर्ट ने दिखाया था कि कैसे पॉलिटिशियंस, बिलियनियर्स और सेलिब्रिटीज अपनी वेल्थ को छुपाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं, कुछ तरीके लीगल और कुछ इलीगल। इन पेपर्स के अंदर कुछ जानी मानी हस्तियों के नाम भी थे, जैसे सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी, जैकी श्रॉफ, व्लादिमीर पुटिन एक्सेट्रा। इस दुनिया में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके नाम शायद आपने सुने भी ना हो, लेकिन वो मिलियंस और कुछ केसेस में तो बिलियन डॉलर्स अर्न करते हैं। और सिर्फ अमीर लोग ही अपनी वेल्थ छुपाने की कोशिश नहीं करते हैं, अपनी वेल्थ का कुछ हिस्सा सरकार को देना एज अ टैक्स किसी को पसंद नहीं है, इसीलिए ऑलमोस्ट हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स अवॉइड करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी आप एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट इन सबसे तो ज़्यादा ही टैक्स पे करते हो, क्योंकि टैक्स के मामले में ये लोग आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। टैक्स अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इतना कॉम्प्लेक्स कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि द हार्डेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इन द वर्ल्ड इज द इनकम टैक्स। साइक। इसीलिए तो इन लोगों की वेल्थ को फिगर आउट कर पाना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की लड़ाई बिलियनर्स से नहीं होती है, गवर्नमेंट की लड़ाई होती है सीधा उन लोगों से जिन लोगों को बिलियनर्स ने हायर किया होता है। इवन फोर्ब्स मैगजीन, जो कि टाइम टाइम पे टॉप रिचेस्ट पीपल की लिस्ट निकालता रहता है, उस लिस्ट में भी जो वेल्थ होती है वो एस्टिमेटेड वेल्थ ही होती है, एग्जैक्ट नहीं। तो आखिर रिच अपनी वेल्थ छुपाते कैसे हैं? वैसे तो कई सारे रास्ते हैं, जिनमें से पहला है सेल कॉरपोरेशन। ये एक बहुत ही कॉमन व्हीकल है जिसको कंपनीज यूज करती हैं टैक्स से बचने के लिए। सेल कंपनीज बस पेपर पे एग्जिस्ट करती हैं, रियलिटी में ना तो इन कंपनीज का कोई ऑफिस होता है और ना ही इनमें कोई एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं। पर इन कंपनीज का एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें पैसे भरे जा सकें, और इन कंपनीज के नाम से आप एसेट्स खरीद सकते हो, याज खरीद सकते हो, कोई डील कर सकते हो। और मजे की बात पता है क्या है कि इस सब में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमेशा हिडन रहेगी, ये सब उस सेल कंपनी के नाम से होगा। और ये सेल कंपनी ज़्यादातर उन कंट्रीज में सेटअप करी जाती हैं जहाँ टैक्स रेट बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, और जहाँ कंपनी सेटअप करना भी ईजी होता है, जैसे आयरलैंड, जर्सी। क्या इन सेल कंपनीज का यूज़ करके किसी ने टैक्स बचाया है? तो इसका आंसर है हाँ। आपको ये जान के हैरानी होगी कि एप्पल ने करीब 40 बिलियन से ज़्यादा टैक्स अवॉइड किया है इनके जरिए। एप्पल ने आयरलैंड में अपनी एक सेल कंपनी सेटअप करी और वहाँ अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जैसे आईफोन, आईपैड को लाइसेंस करवा लिया। अब आयरलैंड बरमूडा के अंदर में आता है और बरमूडा एक टैक्स फ्री जगह है, वहाँ कॉरपोरेट इनकम टैक्स 0% है। अब एप्पल जितने भी आईफोन्स बेचेगा वो सारा प्रॉफिट अगर उस कंपनी की बैलेंस शीट में जाता है तो एप्पल को अपने प्रॉफिट्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन के प्रेशर की वजह से अभी जाके रिसेंटली आयरलैंड ने इस लूपहोल को बंद किया है। लेकिन तुम्हें लगता है कि एप्पल सुधरने वाला है? उसने टॉप लेवल के लॉयर्स और अकाउंटेंट्स को हायर कर रखा है जिन्हें वेल्थ डिफेंडर्स कहा जाता है। तो इन वेल्थ डिफेंडर्स ने एक और नया लूपहोल ढूंढ लिया, जर्सी, जो कि यूके के अंडर में आता है, लेकिन वो अपने टैक्स लॉस खुद ही बनाता है और वहाँ फॉरेन कंपनीज के लिए कॉरपोरेट टैक्स 0% है। और सिर्फ एप्पल ही ये नहीं कर रहा है, ये जूते बनाने वाली और खिड़की बनाने वाली कंपनीज भी इसी लाइन में लगी हुई हैं। मुझे समझ नहीं आता बिल गेट्स को ये करने की क्या ज़रूरत है। एक तरफ वो पैसे डोनेट कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ वो टैक्स बचा के गवर्नमेंट का नुकसान कर रहे हैं। वो टैक्स भी तो गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगी। अपने टाटा ग्रुप को ही देख लो, सारा टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। एनीवेज, तो क्या ये इलीगल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में ये चीज़ लीगल है। और एक बार पब्लिक हियरिंग में टिम कुक के सामने ये सब एक्सपोज किया गया था तो टिम कुक ने भी इसी लाइन से अपने आप को डिफेंड किया था। टिम कुक ने कहा था कि ये चीज़ लीगल है और मेरे ख्याल से हर किसी को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये इलीगल तो नहीं है, पर क्या ये एथिकल है? मेरे ख्याल से ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट टैक्स के जरिए रुपये नहीं कमाएगी तो वो कहीं ना कहीं से उन रुपयों को तो वसूलेगी ही वसूलेगी। चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, हो सकता है नोट्स भी ज़्यादा प्रिंट किए जाएँ। ओके, अब लिस्ट पे आते हैं।
तो टैक्स बचाने का दूसरा तरीका है हायरिंग फैमिली मेंबर्स। नाम से ही समझ गए होगे, रिच अपनी कंपनी में अपने ही फैमिली मेंबर्स को हायर करते हैं और उन लोगों को कंपनी का आधे से ज्यादा प्रॉफिट सैलरी में बांट देते हैं, जिससे टैक्स तो लगता है लेकिन सैलरी पे कंपनी के पास अब प्रॉफिट के नाम पे कुछ चिल्लर बची हैं, तो उन पे लगने दो जितना टैक्स लगना है। इसे बोला जाता है डिवाइड एंड रूल। इसके बाद अगला तरीका है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। अब ये सुन के आपको थोड़ा अजीब लगा होगा कि गवर्नमेंट से टैक्स बचाने के लिए गवर्नमेंट को ही अपने पैसे दिए जा रहे हैं, पर यकीन मानो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स सुनने में जितने बोरिंग लगते हैं उतने हैं नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स टैक्स फ्री होते हैं ज़्यादातर, प्लस इनमें इन्वेस्ट किए हुए रुपयों के ऊपर गवर्नमेंट हमें इंटरेस्ट भी पे करती है। इसके बाद नेक्स्ट है टेकिंग $1 एज सैलरी। अच्छा, अगर आप फ्यूचर में सीईओ बन गए तो आप कितनी सैलरी लोगे? 1,50,000? पर अगर मैं कहूँ $1, तो आप अभी जाके मेरी वीडियो पे रिपोर्ट मारोगे। पर रुको जरा, आपको मैं बता दूँ कि इन लेजेंड्स ने $1 सैलरी भी ले रखी है। एक बार इनके चेहरे देखो यार, क्या लगता है ये स्माइल $1 से मेंटेन हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो भला सीईओज $1,000,000 को अवॉइड करके $1 ही क्यों लेते हैं? वेल, इसके पीछे की वजह है इनकम टैक्स ऑब्वियसली। $1 सैलरी लेंगे तो उस पर कितना भी टैक्स लग जाए, $1 से ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सीईओज कमाते नहीं है, ये लोग कैश के बदले कंपनी के स्टॉक्स ले लेते हैं और स्टॉक्स पे टैक्स जब लगता है जब आप उन्हें सेल करोगे, वो भी इनकम टैक्स से कम ही रहता है। और ऐसा करने से उस सीईओ की इमेज पब्लिक में अच्छी बनती है, क्योंकि लोगों के हिसाब से वो बंदा अपनी कंपनी को लेके बहुत पैशनेट है और सारा प्रॉफिट उसी में री इन्वेस्ट कर रहा है। मार्क जुकरबर्ग एक टाइम पे अपनी पूरी कंपनी में सबसे कम सैलरी लेने वाले इंसान थे और साथ ही वो उस टाइम दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में भी थे। ये लोग आम सीईओस की तरह नहीं सोचते हैं, ये फोकस करते हैं वेल्थ क्रिएट करने पे, ना कि सैलरी। और वेल्थ क्रिएट होती है एसेट्स से, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल इस्टेट। इनफैक्ट इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बफेट, ये लोग जिस घर में रहते हैं वो घर भी इन्होंने लोन पे ही लिया है। इन तीनों की नेटवर्थ बिलियंस में है, ये चाहे तो कुछ मिनटों में ही उन घरों की फुल पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए इन्हें अपनी कंपनीज के स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे। तो स्टॉक्स को कैश में कन्वर्ट करके घर खरीदने से अच्छा है बैंक से ही कैश उधार ले लिया जाए, और बैंक्स भी इन्हें बहुत कम इंटरेस्ट रेट, लगभग 1-2% पे ही लोन दे देती हैं, क्योंकि बैंक्स के अकॉर्डिंग ये लोग बिलियनर्स हैं, ये लोन डिफॉल्ट नहीं करेंगे। और इन लोगों के बैंक अकाउंट्स में उतना कैश पड़ा भी नहीं होता है, ये लोग अपने पैसों को काम पे लगा के रखते हैं। इसीलिए ये जो नेटवर्थ गूगल पे आपको दिखती है, इसमें से $1 बिलियन भी इनके पास अभी नहीं होगा कैश की फॉर्म में। ये सब एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए ये लोग एक आम इंसान से भी कम टैक्स देते हैं, और कुछ वेल्थ तो इनकी छुपी हुई होती है जिसपे कभी टैक्स लगता ही नहीं है। तो अब अगर आप गूगल पे किसी की नेटवर्थ देखो तो याद रखना गूगल वहाँ पे एटलीस्ट लिखना भूल गया है। वीडियो अगर सीधा आपके दिमाग के अंदर से निकल के गई हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं भविष्य में। गुड बाय।